हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्साई हंटर। हमारे व्यूअर्स की लगातार डिमांड पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं बनियान बॉन्साई का अपडेट। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि बनियान की बॉन्साई को चॉपिंग और कलिंग के द्वारा कैसे बनाया जाए। आज हम उसका ही अपडेट लेके आए हैं। हमने समय समय पर इसका अपडेट रिकॉर्ड किया है और वो सारा मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, नॉर्मली जो हम बनियान के प्लांट्स देखते हैं उनके अंदर रूट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, उनका बेस काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो लैग करता है। तो अपर पार्ट को डेवलप करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि उसे चॉप कर दिया जाए, कल कर दिया जाए। ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये मेरा अनुभव है, सालों से हम इस तरह की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इस संबंध में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, बनियान की बॉन्साई के लिए एक टिप मैं आपको दोबारा देना चाहता हूँ, पहले भी दी थी। अगर आप अपने बनियान बॉन्साई को खुश रखना चाहते हैं तो उसे रोज़ एक बार पानी से ज़रूर नहलाएं। तो आइए नज़र डालते हैं इसके कुछ प्रीवियस वीडियोस पे। दोस्तों, हमने जो चॉपिंग करी थी हमारे बनियान की, आज हम उसका एक और अपडेट ले रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा कट था यहाँ पे, कट के आसपास जो बर्ड्स आई थी वे अब बड़ी होने लगी है। चॉपिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है और हमें चार ब्रांचेस मिली हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। अब हमारा अगला जो मिशन रहेगा, इन ब्रांचेस को 3-3, 4-4 फीट तक बड़ा करना है और उसके बाद इन्हें इस स्टाइल में, अम्ब्रेला स्टाइल में नीचे की तरफ बैंड करना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल बॉन्साई हंटर को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो बेहिचक होकर कमेंट करें, हम पूरा प्रयास करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।